मिथुन राशि वालों के लिए ये जुलाई 2021 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे अपने नौकरी, कार्यक्षेत्र, पैसा, स्वास्थ्य, प्यार, कारोबार और पारिवारिक जीवन के बारे में कि इन सभी क्षेत्रों में आपका जुलाई 2021 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके कार्यक्षेत्र के बारे में, यानी कि आपके करियर से स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए महीना करियर के लिहाज से सामान्य रहेगा। शनि महाराज आपके आठवें भाव में बैठे हैं और वहाँ से दशम भाव को देख रहे हैं, जो कर्म, व्यवसाय, पद आदि का भाव माना जाता है। शनि के इस गोचर के कारण इस माह आपके करियर में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा, जिससे मन में निराशा और असंतोष के भाव हो सकते हैं। इस मन स्थिति के कारण हो सकता है कि आपका जो है दिल काम में ना लगे, जिसके कारण काम काज में थोड़ा बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति में सुधार आएगा। 20 तारीख को मंगल तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से दसवें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि आप अपने कौशल और क्षमता से चुनौतियों से निपटने में सफल होंगे तथा बाधाओं को दूर करने में भी कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ सुधरेंगी और कामकाज बेहतर होगा। बिजनेस करने वाले जो जातक हैं वो बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं और ये यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। नए बिजनेस के जो संबंध बन सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिनसे आने वाले समय में आपको लाभ की पूरी उम्मीद दिखाई देनी चाहिए और उम्मीद भी रहनी चाहिए कि आपको लाभ जरूर होगा। माह का उत्तरार्ध नौकरी पेशा जातकों के लिए बढ़िया साबित होगा। काम में मन लगेगा, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और जो है आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनका रवैया आपके प्रति बदलेगा और जिससे आप जो है संतोष का अनुभव महसूस करेंगे। स्पेशली जो जॉब में हैं जातक मिथुन राशि वाले, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि काफ़ी टाइम से उनके जो उच्च अधिकारी हैं, रिपोर्टिंग बॉस हैं, उनका व्यवहार उनके प्रति बदला बदला सा है। ये व्यवहार जो है अब चेंज होता हुआ उनको नजर आएगा जुलाई में। दोस्तों ये था आपका जो है करियर का राशिफल। अब बात करते हैं आपके आर्थिक राशिफल की। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस समय आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है, तो व्यय हानि के भाव दूसरे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति है। ग्रहों का यह संयोग इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि आपको थोड़ी बहुत आय तो होगी लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होंगे। नियमित खर्च तो ठीक हैं लेकिन जो बेजरूरत की चीज़ों पर भी आपका ज़्यादा खर्च होगा और ऐसी प्रवृत्ति नज़र आपको आएगी कि आप बेजरूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं जुलाई के महीने में। हो सकता है कि किसी निवेश में भी, किसी इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा डूब जाए, आपको घाटा हो जाए। इन सब का असर आर्थिक सेहत पर पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसा लोन पर लेना पड़े, कर्ज पर लेना पड़े, जिससे कि आप अपना काम चला सकें। अगर संकट से बचना है तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि माह का जो उत्तरार्ध है वो अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर रहेगा। आय में कुछ वृद्धि की संभावना दिख रही है। किसी स्रोत से कुछ पैसा आ सकता है जिससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जमा धन में कमी आपके आ सकती है, आपकी सेविंग्स जो हैं वो घट सकती हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और मंगल मौजूद हैं। बारहवें भाव में राहु और बुध की उपस्थिति है। इसके अलावा छठे भाव में केतु और आठवें भाव में शनिदेव स्वयं विराजमान हैं। ग्रहों की यह स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी समस्या को यह सोचकर नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें कि समय के साथ वह खुद ही ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी भी परेशानी हो तो डॉक्टरी सलाह लें, चिकित्सक से परामर्श लें और उसके निर्देशों के हिसाब से काम करें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, खान पान ठीक रखें, खुद का डॉक्टर खुद ना बने
और दिनचर्या को अनियमित ना होने दें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखें, हो सके तो नियमित रूप से कोई योग व्यायाम कुछ ना कुछ तो जरूर करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। साथी के साथ जो है आपके वैचारिक जो मतभेद थे वो दूर हो जाएंगे और एक सामंजस्य और आपस में प्रेम बढ़ेगा। प्रेमी जोड़े जो हैं वो एक दूसरे के साथ मधुर समय बिताने का उनको मौका मिलेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और प्रेम जो है एक गहराई में जाएगा, प्रेम और गाढ़ा होगा। साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है, किसी रेस्टोरेंट में लंच डिनर के लिए आप साथ जा सकते हैं, साथ में जो है मनोरंजन की जो चीज़ें होती हैं वो उनका आनंद ले सकते हैं और गुणवत्तापूर्वक समय बिताने से रिश्ते में आपकी एक नई ताजगी आएगी। जो लोग जीवन में प्रेम की तलाश में हैं, जो अकेले हैं, जिनका कोई लव मेट नहीं है, उनके जीवन में भी प्रेम दस्तक देता हुआ जुलाई में दिख रहा है। वहीं मिथुन राशि के जातक जो शादीशुदा हैं उनके लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। ग्रहों के राजा सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो विवाह जीवन साथी पार्टनर का भाव माना जाता है। सूर्य की यह दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए कतई अच्छी नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में टकराव बढ़ सकती है, छोटी सी बात को लेकर के भी तनातनी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कलह की वजह से मन खिन्न रह सकता है। रिश्ते को ठीक रखने के लिए धैर्य आपको बनाए रखना चाहिए। 16 तारीख को सूर्य के दूसरे भाव में प्रवेश करने से जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए उनका ठीक से ध्यान रखें। एक दूसरे की परवाह करने से ही दोस्त जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। अपने जीवन साथी की बात ध्यान से सुनें, उनको सपोर्ट करें तो आपका जो मतभेद मनभेद है वो भी दूर रहेगा, वो भी कम रहेगा, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, महीना आपका ठीक निकल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो इस महा मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा। दूसरा भाव जो कि परिवार का भाव माना जाता है, उसमें ग्रहों के सेनापति मंगल और दैत्य के गुरु शुक्र की उपस्थिति है। घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या शादी विवाह का आयोजन भी हो सकता है। यह मन प्रसन्न करने वाली बात है, लेकिन समस्या यह है कि मंगल पर शनि की दृष्टि है जो किसी वाद विवाद को जन्म देती दिख रही है। दरअसल छठे भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में नीच राशि में स्थित होने से परिवार में किसी संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है या फिर किसी अन्य बात को लेकर के विवाद हो सकता है। परिवार के लोगों के बीच कलह होने से घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ सकती है, पारिवारिक संतुलन आपका डगमग हो सकता है। धैर्य बनाए रखें, अपनी तरफ से विवाद को ना बढ़ने दें ताकि स्थिति हाथ से बिल्कुल ही ना निकल जाए। माह के दूसरे पखवाड़े में स्थितियां बदलेंगी। 16 तारीख से ग्रह गोचर में बदलाव होगा और आप अपनी बुद्धिमत्ता से रिश्तों को पटरी पर लाने में सफल रहेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको हर तरह की उम्मीद मिल सकती है, मदद मिल सकती है। परिवार का वातावरण जाते जाते एक बार फिर से खुशनुमा होगा। 16 तारीख के बाद जो है परिवार का जो वातावरण है वो खुशनुमा आपका होना शुरू हो जाएगा। थोड़े से उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं तो आपका स्वास्थ्य जीवन, पारिवारिक जीवन और जो आपका लव लाइफ का जीवन है, शादीशुदा जीवन है, उसको आप जो है बेहतर बना सकते हैं। तो आप कुछ उपाय हैं, 3-4 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे आप कर लें। भगवान श्री गणेश जी की उपासना करें और जो है माता दुर्गा को शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल फूल अर्पित करें और हरी घास बुधवार के दिन गाय को खिलाएं। इनमें से जो ठीक लगे आप कर लें। दोस्तों वैसे उपाय का जो है सिस्टम कुछ इस तरह का होता है कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश को पूर्णतः रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन छाता लगाने से आप थोड़ा सा बारिश के प्रभाव को अपने ऊपर कम कर सकते हैं। तो उपाय भी ऐसे ही काम करते हैं। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का राशिफल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।